हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लिटिल गार्डन। आज मैं मेरी गार्डन का कुछ व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे गार्डन का इंटेंस ये है कि मैं लो बजट में कैसे गार्डन बनाऊँ, तो आपको वही दिखाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में अभी मैंने 50% काम कर दिया है, अभी 50% बाकी है, तो मैं आपको एक एक वीडियो शेयर करती रहूँगी। ये मैंने मेरी नेम प्लेट बनाई हुई है और इस टाइप के मैंने कुछ लैंप्स लगाए हुए हैं। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊँगी रात के टाइम पे, ताकि आपको दिखे कि ये कैसा लग रहा है। आज मेरे गार्डन में बहुत सारे पॉटचुला खिले हुए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, बहुत दिन के बाद इतनी धूप आई है। यहाँ पे मॉनसून सीजन चल रहा था, तो धूप की वजह से सारी ब्लूमिंग हो गई है। ये मेरे कुछ मॉस रोज़ या पॉटचुला 9 o'clock जो भी कहो उसके प्लांट्स हैं, जो आज बहुत ही अच्छी तरह से खिल गए हैं। ये अपना स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी मेरा मॉसल्स का प्लांट है, जिसमें भी बहुत सारी कलियां बनी है, बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ अडीनियम है, तो अडीनियम में मैंने कटिंग की थी, उसके बाद अभी ब्लूमिंग बाकी है इसमें, तो एक जो मेरा प्लांट है उसमें फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। अभी ये सब भी मैच्योर होंगे तो इसमें भी स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरा अपना जो इंडोर प्लांट होता है वो है, इसमें भी बहुत खूबसूरत से ये फूल आए हुए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये फूल आते हैं। ये एक एलोवेरा टाइप का प्लांट होता है, इसको लेडी लीजा बोलते हैं। ये भी एक यही प्लांट है, इसमें भी बहुत सारे फूल आए हुए हैं। ये मेरा अफ्रीकन प्लांट था, पर पता नहीं क्या हुआ उसे, बारिश की वजह से ये पूरा ख़राब हो गया, तो मैंने अभी इसे साइड पे रखा हुआ है। ये भी मेरे सब अडीनियम ही है। फ्रेंड्स, ये मेरा कनेर का प्लांट है, जो बहुत बड़ी ग्रोथ ले ली है उसने, और ये कुछ मैं लेके आई थी पर्पल हार्ट और ये स्वीट पोटैटो वाइन की कटिंग, तो मैंने इसे इस टाइप से लगाया हुआ है। ये मेरा 10 inch का पॉट है, तो मैंने इस टाइप से तीन को इसका नाम मैं भूल गई। फ्रेंड्स, ये इसके साथ मैंने ये तीन लगाए हुए हैं एक ही पॉट में। ये एक कटिंग शायद मेरी मर चुकी है, तो मुझे लगता तो है कि हो जाएगी, पर उसके लीव्स थोड़े ख़राब हो गए हैं। तो यहाँ पे मेरे रोज़ के प्लांट हैं सब, इसमें भी एक बहुत ही सुंदर सा रोज़ खिला हुआ है, और भी कलियाँ बनी हुई हैं, तो इसमें भी रोज़ आएंगी। ये मेरा विंका, जो बहुत सुंदर दिख रहा है अभी, और ये एक मेरा पान का प्लांट है, और वापस मैंने उस पर ये मेरे अडीनियम रखे हुए हैं। यहाँ पे ये मेरा नाग चंपा है, जिस पे बहुत सारे फ्लावर आते हैं। फ्रेंड्स, मॉनसून की सीज़न में नाग चंपा पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी कलियाँ और फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये बहुत सुंदर सा फ्लावर्स इसमें आता है। और ये फ्रेंड्स मेरी बोगनवेली है, ये ऑरेंज कलर वाली है, और एक ये वाइट कलर वाली है, इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं। और इसमें मैंने कुछ पॉटचुला की कटिंग लगाई हुई थी, तो बहुत अच्छी तरह से इसमें फूल आए हुए हैं। और इसके साथ ये मेरा एक नाग चंपा है, उसमें भी बहुत सारे फूल आ गए हैं। एक ये मेरा जीनिया का प्लांट है, जिसमें ये फूल अभी खिलेगा, बहुत ही सुंदर सा कलर है ये पिंक,
और ये मेरे हिबिस्कस के प्लांट है, ये ऑरेंज कलर वाला है पर अभी इसमें फूल खिला नहीं है। और इसका मुझे तो नाम नहीं पता पर ये बहुत सुंदर छोटे छोटे इस टाइप के फ्लावर्स आते हैं इसमें जो बहुत सुंदर दिखते हैं ऑरेंज कलर में। और एक मेरा गन्नू भैया वाला एडिनियम है, ये इसमें हमारे लॉर्ड गन्नू जी बिराजे हुए हैं। ये शेप्स गणपति के जैसे ही लगता है फ्रेंड्स, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है और इसमें लिली लगाई हुई है, रेन लिली, पर अभी इसमें कोई फ्लावरिंग नहीं हुई है। और एक ये मेरा अडीनियम है, इसमें बहुत ही सुंदर ये रेड और वाइट कलर की कॉम्बिनेशन में फ्लावर आया हुआ है। ये भी मेरा अडीनियम है, ये चिली का प्लांट है, एलोवेरा, ये कुछ ऑर्नामेंट्स प्लांट है जो मैंने इस टाइप के नए पॉट में लगाए हुए हैं फ्रेंड्स। और ये भी मेरा अडीनियम ही है। और एक ये मैंने पॉट बनाया हुआ था बॉटल को कटिंग करके, तो इसमें भी फूल आ गए हैं अच्छी तरह से। ये पीक वाला पॉट था जो बहुत सुंदर दिख रहा है। एक ये मेरा कॉर्न शेप वाला पॉट, इसमें भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हुई हुई है। और ये जो मैंने आपको दिखाया उस साइज से, ये मेरी बोगनवेली जिसमें बहुत ढेरों फूल आते हैं फ्रेंड्स, मैं इस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये मेरी मधुमालिनी, इसमें भी बहुत सुंदर ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं जो हमारे गार्डन में बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं, बहुत सुंदर लुक देता है फ्रेंड्स। ये मेरे हैंगिंग बास्केट है, इसमें भी ढेरों फूल आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये मेरा गार्डन का लुक है, जो मेरा गार्डन इस तरह से मेरा गार्डन दूर से दिखता है। अभी तो मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा और अच्छी तरह से इसे मैं लो बजट में बनाऊँगी। आपको मैं इस पे भी एक वीडियो शेयर करूँगी कि मैंने ये प्राइस कितने में पड़ा है, कितना मैंने इस पे इन्वेस्ट किया हुआ है। अभी धीरे धीरे मैं अपना गार्डन सजा रही हूँ तो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।